हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू शर्मा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फ़ोन बताने जा रहा हूँ जिन्हें कि आप 10,000 के अंदर अंदर बाय कर सकते हैं और जो कि काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से हैं वो 5 स्मार्टफोन। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मेरी लिस्ट में जो पहला स्मार्टफोन है उसका नाम है टेनोर जी। दोस्तों, ये फ़ोन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और इस फ़ोन को मैंने अपने लिए भी ख़रीद लिया है अमेज़ोन से। दोस्तों, ये अमेज़ोन का फ़ोन हम इसे कह सकते हैं और इसमें आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 626 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि आपको 10,000 तक की किसी भी रेंज के फ़ोन में नहीं मिलता। आपको रेडमी नोट 5 में भी 625 का मिलता है और 13+13 मेगापिक्सल का बैक कैम वो रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिससे कि दोस्तों आप सेल्फी भी काफ़ी अच्छी ले सकते हैं और बोके मोड रियर कैमरा से आप काफ़ी अच्छा ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस फ़ोन की मैंने अनबॉक्सिंग भी की हुई है। इस फ़ोन में काफ़ी सारे फीचर हैं, जैसे कि गोरिल्ला ग्लास की स्क्रीन है, 4000 mAh की बैटरी है और 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले है। दोस्तों, HD नहीं, फुल HD डिस्प्ले। तो इस कारण ये मेरे को फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा। इसमें मेटल बॉडी भी है, डुअल टोन LED फ्लैश भी है इसके पीछे, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है आपको। दोस्तों, एक मतलब 10,000 के अंदर अंदर सबसे बेस्ट फ़ोन मुझे यही लगा है। इसको आप अमेज़ोन से ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो दूसरा स्मार्टफोन है उसका नाम है इन्फिनिक्स हॉट S3। दोस्तों, ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है। ये फ़ोन भी मैंने पर्सनली खुद यूज़ किया है। ये फ़ोन उनके लिए है जिन्हें सेल्फी लेना बहुत पसंद है, और क्योंकि इसमें आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है विथ डुअल फ्लैश और स्नैपड्रैगन 430 का प्रोसेसर मिल जाता है, 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है आपको इस फ़ोन में, और प्लस 18:9 वाली जो आजकल चल रही है डिस्प्ले भी मिल जाती है, 5.65 इंच की शायद इसके आसपास मिलती है, और जो कि HD है, फुल HD नहीं है। तो ये फ़ोन भी आप ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से। तो मेरी लिस्ट में जो अगला स्मार्टफोन है उसका नाम है Honor 9 Lite। तो दोस्तों, ये फ़ोन भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसमें आपको 4 कैमरे देखने के लिए मिल जाते हैं और बैटरी तो इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकता मैं, और प्रोसेसर इसका पावर एफिशिएंट में नहीं है इतना, पर अच्छा खासा प्रोसेसर है, गेमिंग भी कर सकते हैं आप। पर Honor के मुकाबले इतना अच्छा नहीं है, Honor में आप हैवी गेमिंग कर सकते हैं। तो मैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। इस फ़ोन में आपको मिल जाता है क्रिन 659 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर एंड 18:9 की डिस्प्ले मिल जाती है आपको, और पीछे से ये फ़ोन आपको ग्लास का मिलता है, ग्लास प्लस थोड़ा मेटल, और इसमें पीछे भी 2 कैमरे हैं और आगे भी 12 कैमरा है, जिससे कि आप बोके इफेक्ट ले सकते हैं और अच्छा पोर्ट्रेट मोड ले सकते हैं। तो फ़ोन का लुक, जहाँ तक कि लुक की बात करूँ तो लुक में मेरे को ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि बढ़िया है काफ़ी, पर इस पर प्रोटेक्शन वगैरह नहीं है कोई भी। तो इस फ़ोन में भी आपको मिल जाती है फुल HD प्लस डिस्प्ले और 13+2 मेगापिक्सल के कैमरे, मतलब पीछे भी इसका रियर कैमरा भी इसका 13+2 का है और फ्रंट कैमरा भी इसका 13+2 का है। इसमें मिल जाता है आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉयड 8.1 और फेस अनलॉक भी मिल जाता है इसमें आपको, हालांकि वो असली नहीं होता पर फिर भी अच्छा मिल जाता है आपको फेस अनलॉक भी। तो दोस्तों, ये फ़ोन भी मेरे को सही लगा क्योंकि इसका लुक बहुत ही अच्छा है और फीचर भी इसके अच्छे ही हैं। इसमें आपको कस्टम UI मिलती है जिसका नाम है EMUI, जैसे MI में मिलती है आपको MIUI, इसमें मिलती है EMUI Honor 9 Lite में। तो Honor के फ़ोन्स में आपको यही देखने के लिए मिलती है, और कैमरा भी इसका अच्छा है क्योंकि 4 कैमरा हैं इसमें। तो ये फ़ोन भी आप ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से। तो मेरी लिस्ट में जो अब अगला स्मार्टफोन है उसका नाम है Moto E4 Plus। हाँ दोस्तों, ये फ़ोन मेरे को इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये बैटरी इसमें 5000 mAh की मिल जाती है और फ़ोन भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, 8000 rupees का ये मिल जाता है आपको अमेज़ॉन पे शायद, या फिर हाँ अमेज़ॉन पे मिल जाता है आपको 8000 rupees का। 13+8 का है शायद इसका कैमरा, मैं श्योर नहीं हूँ, और पर इसमें ये दिक्कत है इसमें क्वाड कोर मिलता है आपको। तो ये भी, इसे भी हम अच्छा फ़ोन मान सकते हैं अगर आपको फ़ोन में अच्छी बैटरी चाहिए और फ़ोन की परफॉर्म मतलब नॉर्मल यूसेज के लिए चाहिए, ज़्यादा हैवी यूसेज के लिए नहीं चाहिए। तो
तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी चलती है। और फ़ोन भी आपको मेटल डिज़ाइन का मिल जाता है, 2 दिन का ये बैकअप दे देती है बैटरी आसानी से। और फास्ट चार्जर भी मिल जाता है इसमें आपको, इसमें भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है। और एक पीछे फ्लैश लाइट भी मिल जाती है। मोटरोला का फ़ोन है, मोटो G4+, इसे भी आप ले सकते हैं अमेजोन से। तो दोस्तों मेरी लिस्ट में जो अगला स्मार्टफोन है उसका नाम है ओप्पो का रियलमी। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ये इस स्मार्टफोन को आप 25 तारीख से अमेज़ॉन पर बाय कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों इस फ़ोन के मेरे को काफ़ी अच्छे फीचर लगे, हालांकि इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, बट ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। इसके 2 या 3 वेरिएंट आते हैं। एक इसका है 3 GB वाला जो कि आपको 9000 तक का मिल जाएगा, और एक है इसका 6 GB आप वाला और एक 4 GB वाला। तो दोस्तों इसमें आपको प्रोसेसर काफ़ी अच्छा मिलता है और कैमरा भी काफ़ी बहुत मतलब अच्छा मिल जाता है। प्रोसेसर इसका 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है।